तो आज इस लेक्चर में हम गेट और ऑर्डर एपीआई क्रिएट करेंगे, जो कि बेसिकली यूजर आईडी के बेस पर भी आप गेट कर सकते हो। अगर आप यूजर आईडी पास नहीं करोगे तो आपको सारे के सारे ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। मतलब ये आपके फ्रंट एंड के लिए काफी यूजफुल बनने वाली है एपीआई, ठीक है। तो चलिए मैं एपीआई क्रिएट कर लेता हूँ, इसी का मैं डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक इसको मैं कर लेता हूँ गेट ऑर्डर एपीआई, ठीक है। एंड देन यहाँ पर इसको हम गेट रख लेते हैं, पोस्ट भी आप रख सकते हो, गेट भी रख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ से जो है मैं यूजर आईडी पास करूंगा और नहीं भी करूंगा, ठीक है। मतलब दो केसेस होने वाले हैं, नहीं भी पास करूंगा और पास भी करूंगा, ठीक है। और जो हमारी एपीआई का राउट होने वाला है वो होने वाला है गेट ऑर्डर्स, ठीक है, गेट ऑर्डर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसका राउट क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हमारा ऑर्डर राउट के अंदर चल रहा है इसलिए इसकी वर्किंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑर्डर राउट डॉट गेट, एंड देन आपकी जो एपीआई का नेम है वो है आपका गेट ऑर्डर्स, ठीक है। एंड देन आप यहाँ पर अपने कंट्रोलर को कॉल कर लो। देखिए ये सीरीज जो है आप स्टार्टिंग से देखते आ रहे होंगे तो मजा आ रहा होगा, वरना कोई मजा नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो ऑर्डर कंट्रोलर डॉट, अभी यहाँ पर जो है मैंने ऑर्डर कंट्रोलर के अंदर एक मेथड बनाया नहीं है जो कि आपको ऑर्डर्स ला करके दे। फिलहाल में मैं क्रिएट करूंगा जिसका नेम होगा गेट ऑर्डर्स करके, ठीक है। तो ये मैंने अभी मेथड क्रिएट नहीं किया, अभी मेरे को क्रिएट करना है, जो कि मैंने अभी राउटिंग में बता दिया है ओनली सिर्फ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा लास्ट में, और यहाँ पर कॉन्स्ट, एंड देन आपका जो मेथड नेम आप डिफाइन करना चाहते हो वो आप करें यहाँ पर, एंड देन रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, और फिर आपका यहाँ पर फेटरू मेथड बन रहा है, ट्राई कैच आपका, ठीक है। और यहाँ से सबसे पहले तो मैं इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ अपने मेथड को, तो मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है। और कोई एरर आएगी तो मैं यहाँ से जो है रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 करके यहाँ से मैं सेंड कर दूंगा, सक्सेस फॉल्स एंड देन मैसेजेस योर एरर मैसेज, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे को चेक लगाना है इफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, अगर यूजर आईडी उसे मिलती है और नहीं मिलती है उसका केस लगाना है, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर आईडी नॉट इक्वल इक्वल है अनडिफाइंड के, मतलब कि उसे यूजर आईडी मिल रही है, और एल्स मतलब कि उसे यूजर आईडी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक ऊपर वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक वेयर ऑर्डर्स करके, ठीक है। मैंने एक सिंपल वेरिएबल बना लिया, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ऑर्डर्स नाम के जो वेरिएबल है उसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो मेरा ऑर्डर नाम का जो मॉडल था, ठीक है, जो कि मैंने ऊपर रिक्वायर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा ऑर्डर है डॉट फाइंड करेंगे हम, डॉट फाइंड, और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर डेटाबेस में जो है, अगर मैं MongoDB ओपन करता हूँ तो ये देख पा रहे हो यूजर आईडी यहाँ पर सेव है, ये रही जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसके बेस पर यहाँ पर चेक लग रहा है यूजर आईडी इसका नेम है, तो मैं इसी को यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि यूजर आईडी वो है जो आपने वहां से सेंड की है, तो वो वाला आपको डेटा निकाल करके दे, और हम यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है आपके साथ, ठीक है। और ऐसा कर देता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम इसको कर देंगे 200, ठीक है, और सक्सेस हम देंगे 2, एंड देन मैसेज में हम दे देते हैं ऑर्डर्स डेटा, ऑर्डर्स स्ट्रिंग में देंगे बेसिकली ऑर्डर्स डेटा, ठीक है। और यहाँ पर डेटा में हम क्या करेंगे बेसिकली, ये सेमी कॉलन यहाँ क्यों आ गया, ठीक है, ये हम ऑर्डर्स नाम का जो वेरिएबल था वो इसके अंदर पास कर देंगे, ठीक है। अभी हमने एक केस हैंडल किया जब आपको यूजर आईडी मिलती है, अगर आपको यूजर आईडी नहीं मिलेगी तो इसी को मैं एल्स में डाल दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फाइंड के अंदर जो है सिंपल मैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा, ठीक है। तो अभी जो है ये आपकी एपीआई जो है क्रिएट हो चुकी है, और आई होप कि ये परफेक्ट वर्क करेगी, और आपने यूजर आउट के अंदर गेट ऑर्डर्स नाम का आपका यूज हो रहा है मेथड, ठीक है। तो आई थिंक अभी ये रिस्टार्ट हो रही होगी, तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये क्या बोलता है, 400 इनवैलिड स्टेटस कोड 202, ठीक है, चेक करते हैं। टू सॉरी गाइज, मैंने 202 कर दिया ना, 200 होता है बेसिकली, मेरे को भी ध्यान नहीं ना, 2002 कर दिया सॉरी। यहाँ से मैं अगेन सेंड करता हूँ, तो यहाँ से देख सकते हो मेरे को इस यूजर आईडी के बेस पर डेटा मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यूजर आईडी सेंड नहीं करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये ऑर्डर डेटा नहीं लेकर के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसने यूजर आईडी यहाँ पर अभी डाल रखी है ना की, तो वो तो हमें चेक लगाना ही पड़ेगा। अगर लाइक बाय द वे मान के चलिए यूजर आईडी नहीं पास करता हूँ तो डेटा आपको मिलेगा। लाइक मैं अगर क्या करता हूँ, क्रिएट ऑर्डर करता हूँ, एक न्यू ऑर्डर जिसमें मैं क्या करता हूँ, कुछ यूजर आईडी चेंज कर लेता हूँ, लाइक समथिंग मैंने ये रख ली इसकी, ठीक है,
प्रोडक्ट आईडी मैंने क्रिएट की, ठीक है, ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। अब मैं गेट ऑर्डर करता हूँ बिना यूजर आईडी पास करे, तो दोनों मेरे को ऑर्डर्स निकाल के दे रहा है, ठीक है। अगर मैं स्पेसिफिक यूजर का निकाल के देखूंगा तो मेरे को ये स्पेसिफिक यूजर का रिकॉर्ड देगा, ठीक है। तो मतलब परफेक्ट वर्किंग कर रही है आपकी गेट ऑर्डर्स एपीआई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो देखना ना भूलिएगा, इंटीग्रेट भी हमें करने हैं ये सारे एपीआई। थैंक यू।